ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के खांकरा और नरकोटा के बीच हाईवे काफी खतरनाक बन गया है। यहाँ पर आगमन करना किसी खतरे से खाली नहीं है। हर दिन रात के समय इस स्थान पर भारी भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण राजमार्ग को खोलने में घंटों का समय लग रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। राजमार्ग विभाग की मशीनें मलबा गिरने के घंटों बाद पहुंच रही है, जिस कारण राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लग गया है। बता दें कि ऑल वेदर रोड कार्य के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खांकरा और नरकोटा के बीच नासूर बन गया है। यहां पर पिछले माह 4 दिनों तक राजमार्ग बंद रहा था, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब रात के समय हल्की बारिश होने पर राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से राजमार्ग बंद हो रहा है। देर रात्रि यहां पर भारी मलबा गिर गया, जिस कारण राजमार्ग बंद हो गया। राजमार्ग पर सुबह 4 बजे से लोग मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की मशीनें राजमार्ग को खोलने के लिए 3 घंटे देरी से पहुंची, जबकि इस स्थान पर हर समय मशीनों को तैनात किया जाना चाहिए। इस स्थान पर हर समय भूस्खलन हो रहा है। ऑल वेदर का कार्य कर रही RCC कंपनी ने इस स्थान को काफी भयानक बना दिया है, जिस कारण आगमन करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग के बंद होने से मरीजों को भी काफी दिक्कतें हुई, उन्हें राजमार्ग के खुलने का इंतजार करना पड़ा। राजमार्ग बाधित होने से एक बीमार महिला को हायर सेंटर रेफर करने में तीमारदारों और मेडिकल स्टाफ को खासी मशक्कत करनी पड़ी। यहां अक्सर राजमार्ग बंद होने से बीमार और घायल लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में कई मरीजों की जान भी जा रही है। मशीनों के पहुंचने के बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करने पर राजमार्ग को आवाजाही लायक बनाया गया है। राजमार्ग के खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, मगर जिस तरह से डेंजर जोन वाले स्थान सक्रिय हो रहे हैं और बरसाती सीजन होने के कारण पल पल में मौसम बदल रहा है और बारिश होने पर राजमार्ग पर भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में प्रशासन को हर समय इन स्थानों पर मशीनों को तैनात किया जाना चाहिए। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।